हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी, ऐसी दिग्गज कंपनी जो गोल्ड लोन्स में डील करती है, नाम है मुथूट फाइनेंस। जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, नए हैं पुराने हैं, सब ने इसका नाम सुना है। काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दिए हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें रहता है। ट्रेडर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, सभी की रडार पे ये स्टॉक रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल्स, क्यों इसे लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या इसके रिस्क रिवार्ड रेशो बनते हैं, कितना नीचे रिस्क है और लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स दे सकता है या शॉर्ट टर्म में कैसे रिटर्न्स दे सकता है। मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी हो, इन्वेस्टमेंट की हो और या स्विंग ट्रेडिंग की हो, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इंट्राडे को अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे में 5 बार आप प्रॉफिट कमाएंगे और 1 बार जो लॉस करेंगे वो सब वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतना रिस्क लेके, हेडक लेके आप उससे ज़्यादा रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग में कमा सकते हैं, टेक्निकल्स ब्रेकआउट्स पे कमा सकते हैं, जिसके अंदर 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो आप कमा ही सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। आपका जो सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए और कम से कम पैसा स्विंग ट्रेडिंग और 1-2% पेनी स्टॉक्स में भी आप रख सकते हैं टू जनरेट द अल्फा। ओनली 1-2% 3% मैक्सिमम, और 4-5% स्विंग ट्रेडिंग या आप 1-2 महीने के लिए जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं उसमें, बाकी रेस्ट ऑफ द मनी जो आपका 90% मनी है वो सेफ बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आपका टॉपिक जो है मुथूट फाइनेंस के साथ। आप इसकी वेबसाइट देख रहे हैं तो ये वेबसाइट है, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है इनको, गोल्ड लोन इज गुड। तो मुथूट फाइनेंस नंबर 1 है। सर्विसेज आपको पता ही है इनकी, ये गोल्ड लोन भी देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस भी करते हैं, पर्सनल लोन भी देते हैं, इंश्योरेंस में भी हैं, गोल्ड कॉइन भी है, मनी ट्रांसफ़र, फॉरेन एक्सचेंज, सब कुछ इनका ये बिजनेस है। देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, NCD, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के लिए इन्होंने अभी अप्लाई किया था, एक न्यूज़ थी जिसके बाद स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर भी बना था। IDBI के जो म्यूचुअल फंड था, इन्होंने उसे खरीदने की ट्राई की थी बट RBI की तरफ से अभी गोएड नहीं मिला है। जिस दिन उसे गोएड मिल जाएगा, आज नहीं तो कल या आने वाले टाइम में, तो और भी इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसका नेटवर्क और भी बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेंगे तो रिवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं वाई चूजर्स इनकी साइट पर क्यों लिखा हुआ है वाई चूजर्स। इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड, ट्रस्टेड बाय 70 करोड़ प्लस सर्टिफाइड कस्टमर्स, लार्जेस्ट गोल्ड लोन पोर्टफोलियो इन इंडिया, सब जानते हैं, लार्ज नेटवर्क ऑफ 5330 प्लस ब्रांचेज, 800 ईयर्स ऑफ फैमिली बिजनेस लेजेसी, मैनेजमेंट स्पीक्स। जो कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट का और लोगों को जो ट्रस्ट है इसके मैनेजमेंट पे, तो वो अपने आप में बोलता है। अब देखिए पूरी साइट जो है, इनकी कितनी स्कीम्स हैं, गोल्ड लोन स्कीम्स जिनके थ्रू ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सस्ते लोन्स भी हैं, महंगे लोन्स भी हैं, छोटे लोन्स भी हैं, बड़े लोन्स भी हैं। ये स्मॉल लोन्स हैं एट लोन इंटरेस्ट रेट, आप देख सकते हैं हर टाइप के जो लोन्स देते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये कैलकुलेटर है इनका। तो चलते हैं आज शेयर प्राइस इसका कैसे काम कर रहा है मार्केट में, उसको भी अगर देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जैसे मैंने बताया आपको, 1222 रुपये का शेयर है इस टाइम जो काम कर रहा है BSE पर, 1221 के आसपास काम कर रहा है NSE पर। वॉल्यूम जो है 173,000 के BSE पर है और 2425,870 के आसपास जो है NSE पर ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो साइन आ रहा है इसका मतलब है वॉल्यूम्स में काफ़ी जंप हुआ है। आप 5 डे की एवरेज देखेंगे तो 1642,000 की होती थी, 10 दिन की देखेंगे तो 1840,000 के आसपास की थी। तो 5 डे और 10 डेज के वॉल्यूम से ऊपर ये निकल चुके हैं वॉल्यूम, 2400,000 आप देख सकते हैं। तो 1800,000 और 1600,000 हुआ करते थे, 2436,000 के आसपास हैं। BSE पर भी सेम ट्रेंड है, जो 77,00,000 या 73,00,000 हुआ करते थे, अभी डबल वॉल्यूम्स, डबल से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस पे काम कर रहे हैं। इवन 30 डेज के जो वॉल्यूम है उसके 1,11,000, उससे भी ये BSE पे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, 1,73,000। तो अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर बना हुआ है। तो देखते हैं आज जो दिन में इसने इंटरडे हाई बनाया 1230 का है और जो लो है 1209 के आसपास का है। जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ था 1202 पे हुआ था और ओपन आज 1215 पर हुआ है ये डायरेक्ट, और काफ़ी ऊपर इसका
ओपनिंग हुई है, तो 52 वीक हाई देखेंगे 1405 के आसपास का है, वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है पिछले महीने आप देखेंगे। तो जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं उसका भी इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, प्राइसेस बीच में काफ़ी नीचे आए थे गोल्ड के भी, तो वहाँ से भी इसका ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। और सेकेंडली जो म्यूचुअल फंड की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से भी ये करेक्ट हुआ था। तो जो लो है इसका 477 के आसपास का बनता है 52 वीक लो, तो अपने हाई के ही आसपास लगभग काम कर रहा है, थोड़ा सा डाउन है ये। सॉरी, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट पे भी टेक्निकली वेरी बुलिश नज़र आता है, और मंथली चार्ट पे भी वेरी बुलिश नज़र आता है। तो मार्केट कैप जो है इसका 49,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, और डिविडेंड जो देता है फेस वैल्यू 10 के ऊपर ये जो देता है 150% का डिविडेंड देता है, यानी कि आप लगाएंगे 15 रुपये के आसपास का इसका जो है डिविडेंड बनता है, और 1240 के आसपास का ये शेयर है तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है 1.23% के आसपास की बनती है, जो कि अट्रैक्टिव है। इस रेंज में जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं 1% से ऊपर के भी जो डिविडेंड यील्ड्स होते हैं, क्योंकि ये कैपिटल एप्रिशिएट ही इतना करते हैं शेयर्स जो ये कंपनी है इस टाइप की, कि डिविडेंड यील्ड इतना भी काफ़ी होता है। तो डिलीवरी जो जा रही है, जैसे मैंने बताया, अब डिलीवरीज बढ़ रही हैं, तो 3 दिन की देखेंगे 37% के आसपास है, 5 दिन की 32 थी, और 8 दिन की 30 के आसपास थी, तो डिलीवरी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। पी जो है 39 के आसपास की इंडस्ट्री की, ये जस्ट पी पे काम कर रहा है 14 के आसपास का, आपको देख सकते हैं क्या पी है इसकी। ईपीएस 83 की है, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आते हैं, रिजल्ट्स भी अभी हम देखेंगे। तो पी जो है 39 की है इंडस्ट्री की, ये जस्ट उसके 1/3 के आसपास काम कर रहा है, 14 पे काम कर रहा है, तो कितना अंदर स्कोप है इसका आप देख सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 4.24 की है। अभी हम अपनी एक और चेकलिस्ट देख लेते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। जो इसकी फेयर वैल्यू बनती है ये उससे कम पे काम कर रहा है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी इसकी फेयर वैल्यू से कहीं ज़्यादा है, ये उससे भी कम काम कर रहा है। आप ये मत देखिए ये लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है, बट इसके जो फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो मार्केट शेयर ये अपना बढ़ा रहे हैं, जो कंपनी के बिजनेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, ये प्राइस उससे भी कम नज़र आता है। रिटर्न को देखें, इस कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं और बैंक के एफडीज के कंपेयर करें तो क्लियर दिखाया गया है कि इस कंपनी ने जो के शेयर्स ने जो रिटर्न्स बना के दिए अपने शेयर होल्डर्स को, बैंक एफडी से कहीं ज़्यादा बना के दिए हैं। डिविडेंड रिजल्ट रिटर्न्स को देखेंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो मैंने बताया 1% से ऊपर है, तो इसको दिखाया गया है कि स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। जैसे मैंने बताया मिड कैप की कंपनी है, 1% से ऊपर का रिटर्न देती है, कैपिटल एप्रिशिएट अच्छा करती है, तो ये भी रिटर्न से होते हैं, डिविडेंड के अट्रैक्ट करते हैं। एंट्री लेवल बताया गया गुड टाइम टू कंसिडर एज इट्स नॉट इन ओवरबोर्ड जोन। ओवरबोर्ड जोन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है और बिल्कुल पीक पे शेयर चल रहा होता है, RSI बिल्कुल हाई होती है उसकी, उसको ओवरबोर्ड जोन बोला जाता है। ये अपने ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, गुड टाइम टू कंसिडर, इसको यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है। नो रेड फ्लैग, कंपनी के ऊपर किसी भी टाइप का ASM GSM लिस्ट में नहीं है SEBI की तरफ से। ASM GSM लिस्ट होती है, किसी सर्विलांस में डाल देना उसे, सर्विलांस होता है। अगर कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी उसके अंदर आती है, हाई लो बहुत ज़्यादा होते हैं, जब वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा स्पार्क करते हैं, जब कंपनी का फंडामेंटल ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, तब उसे ASM GSM लिस्ट में डालती है SEBI, बट इसको नहीं डाला गया है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत कम प्लेज हैं, शेयर प्लेज नहीं है, और सेकंडली डिफॉल्ट होने के चांस नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने बताया कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर है ये, फाइनेंशियल सेक्टर में, रैंक 79 है, मार्केट का 48,000 के आसपास की, ये लो रिस्क, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ही लो रिस्क इसका बनता है। सेक्टर जो डिविडेंड यील्ड देता है वो 0.62 के आसपास की है, जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 1.24 के आसपास, इसलिए भी ये अट्रैक्टिव नज़र आता है। अगर मुथूट फाइनेंस की रेशियोज को हम कंपेयर कर लें, ROCE जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% की, ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 29.1% की है, डिविडेंड यील्ड 1.25% का है, तो सभी चीज़ें इसकी अच्छी लग रही हैं, रेशो जो हैं अच्छी हैं इसकी, मार्केट का 48,000 करोड़ का है। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर का प्राइस अभी जो है 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है, 200 DMA से ऊपर अगर स्टॉक काम करता है तो काफ़ी बुलिश नज़र आता है। इसने जो है 15 अप्रैल 2020 को 691 का जब लेवल क्रॉस किया था, तब ये 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है, आप देखिए बिल्कुल ये इसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो उससे पहले भी ऊपर ही काम करता था, COVID-19 के टाइम पर ही ये इससे नीचे आया था, तो इसे नीचे बना हुआ है आप देखिए, और जब भी ये नीचे आता है तो एकदम से जंप करता ही है उस शेयर प्राइस पर। अगर प्रोस देखें तो कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.39 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ जो है
36% के आसपास का CAGR है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स. कंपनी है गुड रिटर्न ऑन ROC, ROE जो मैंने बताया वो भी लास्ट 3 ईयर्स की 26.39 है. कंपनी इज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 21.39% का डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी का, बहुत ही हेल्दी है जिसे बोलते हैं. अगर लास्ट कुछ क्वार्टर को कंपेयर कर लें, हम क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स को कंपेयर करें, जून 2018 में जो 1783 करोड़ की सेल हुआ करती थी वो सितंबर में बढ़ के 2800 करोड़ की सेल हो गई. आप देखिए इवन जो मार्च और जून का वाटर के रिजल्ट्स आए थे वो 2630 के आसपास के थे, कोई ज़्यादा डिप नहीं थे इनकी डिमांड में, कोविड का जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा नहीं था. 2630 और अब उससे भी ये ऊपर निकल चुके हैं, 2821 का है जो सेल है. देखेंगे आप कुछ क्वार्टर्स की हाईएस्ट एवर है ये. OPM देखेंगे जो किसी भी कंपनी के लिए मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. OPM होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, 77% पे काम करते थे जो कि अब 81% इस क्वार्टर में हो रहा है. लास्ट क्वार्टर 82 था बट इस क्वार्टर में 81 है, फिर भी 80% से ऊपर इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बनता है 1371 जून 2018 में हुआ करता था, जो कि बढ़ के 2285 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है इनका, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी. नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे जून 2018 में 513 करोड़ के जो हुआ करते थे वो 926 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं. आप देखिए नेट प्रॉफिट भी जो है 926 करोड़ का पहुंच गया है, हाईएस्ट एवर है ये भी सितंबर 2020 के जो रिजल्ट्स हैं. अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर ले हम कंपनी के सेल्स को रिजल्ट्स को, तो सेल्स जो है 4336 करोड़ की मार्च 2015 में हुआ करती थी जो कि 9684 करोड़ की हो गई. आप देखिए डबल से भी ज़्यादा हो गई है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले हमने देखे थे वो क्वार्टर टू क्वार्टर देखे थे, अब एनुअल बेस पे देखे हैं. एनुअल टू एनुअल अगर कंपैरिजन करेंगे तो 74% के जो हुआ करते थे वो 77% के हो गए हैं. और अभी TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर देखेंगे तो 79% निकल कर आ रहा है ये. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 3326 करोड़ के जो इनके प्रॉफिट हुआ करते थे वो 7477 करोड़ के हो गए हैं, हाईएस्ट एवर हैं ये. तो कोई भी शेयर अगर जब हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स देने लगता है, रिवेन्यू देने लगता है और प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होने लगते हैं उसके, तो कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से या लाइफ टाइम हाई से नीचे नहीं रह सकता जब उसके रिजल्ट्स लाइफ टाइम हाई पर आ रहे हों. ऑपरेटिंग प्रॉफिट TTM भी अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का तो 8400 करोड़ के आसपास बनते हैं. मतलब इस जो एनुअल रिजल्ट्स जो अब आएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के वो बहुत ही इंप्रेसिव आने वाले हैं. तो स्टॉक में बने रहने के रीजन्स बनते हैं. तो मार्च 2015 के रिजल्ट्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो 671 करोड़ का हुआ करता था वो 5 गुना, लगभग 4 से 5 गुना बढ़ के 3138 करोड़ का हो गया. TTM भी 3462 करोड़ का दिखा रहा है. मतलब जो नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएंगे इस एनुअल के फाइनेंशियल 21 के वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाले हैं. और शेयर प्राइस जो है इससे काफ़ी ऊपर जा सकता है. आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस अगर देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में जो दिए हैं 46% CAGR के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं. लास्ट 3 ईयर्स में 41% के और लास्ट 1 ईयर में 68% के काफ़ी इंप्रेसिव इसने रिटर्न्स निकाल के दिए अपने शेयर होल्डर्स के लिए. बैंक FD तो इसके सामने कहीं पर भी किसी भी ईयर्स में स्टैंड ही नहीं कर रही है. अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम कंपेयर कर लें पिछले कुछ क्वार्टर्स का, प्रमोटर के पास जो 73.63 होल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट मेंटेन है, 73.40 के आसपास है. FII 11.77 जहाँ हुआ करते थे 13.92 हो गए हैं. और DII 10.43 से 7.71 है, हल्का सा मार्जिनली रिड्यूस हुआ है बट आप देखेंगे FII ने वही स्टेक कवर भी कर लिया है. पब्लिक के पास 4.07 हुआ करते थे तो 4.97 के आसपास पब्लिक है. पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है, 5% से भी नीचे पब्लिक में शेयर्स हैं, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में इनके शेयर्स हैं. आप देख सकते हैं अगर कुछ टाइम अगर हम इनके जो ब्रोकरेज की रडार पे ये शेयर है उसको देखें तो 16 दिसंबर को जो टारगेट दिए गए हैं एडलवाइस की तरफ से वो इसके टारगेट दिए गए हैं 1280. अभी शेयर चल रहा है 1220 के आसपास, आज सुबह 10:06 की ये न्यूज़ है. भाई मुथूत फाइनेंस टारगेट प्राइस 1280, एडलवाइस हमारे टारगेट्स इससे भी ऊपर के हैं. ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं जो 1280 के टारगेट्स दिए हैं, बट इनके रिजल्ट्स को देखते हुए इनके लाइफ टाइम हाई पे जो रिवेन्यू चल रहे हैं, ग्रोथ चल रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट चल रहे हैं, उसको देखते हुए ये शेयर यहाँ से भी 50% 60% इवन इन वन ईयर अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखता है. 1280 टारगेट जो है इनके सिर्फ 3 या 4 हफ्ते में ही ये निकाल के दे देगा. अगर आप शेयर्स इसका देखते हैं
एक और इसका देखिए, हॉट स्टॉक्स मथुत मन्नापुरम और ब्रिटानिया कैन गिव ओवर 10% रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स हैं ये दे रहे हैं, बट मैं आपको लॉन्ग टर्म के आगे के बताता हूँ कैसे करना है आपको काम इसके ऊपर। ये नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के हैं, जो ये बता रहे हैं कि 1365 तक शेयर ये जा सकता है। मथुत फाइनेंस 1210 पे काम कर रहा है और स्टॉप लॉस 1090 का रखना है और 1365 के इसके टारगेट्स बनते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। तो अभी हम चार्ट्स पे भी अगर देख लेते हैं कि शेयर्स कैसे काम कर रहा है। ये भी जीरोधा का चार्ट है, डेली बेस का चार्ट है और ये कैंडल्स जो हैं डेली की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो कोविड से पहले का जो टाइम था, एक उसका जो प्राइस चल रहा था 954 के आसपास चल रहा था प्री कोविड लेवल पे। यहाँ से ये 500 के आसपास करेक्ट हुआ था, 476 लो बनाया था और 500 के आसपास ये सेटल हुआ था। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट शेयर हाफ हो गया था वहां से, और उसके बाद इसने वी शेप की रिकवरी दी है और बहुत ही जल्दी इसने अपने जो प्री कोविड लेवल है उससे भी ऊपर ये चला गया था, आप देखिए। और जैसे ही मैं बताता हूँ आपको, कोई भी शेयर अपने लाइफ टाइम हाई को अगर टच करता है और उससे ऊपर निकलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बजाज फाइनेंस पे एक वीडियो बनाई है जिसने अपना लाइफ टाइम हाई को अभी क्रॉस किया है, तो वो अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। बट आने वाले दिनों में वो भी इसी टाइप का मूवमेंट दिखाएगा जैसे इस शेयर ने दिखाया। आप देखिए जैसे इसने लाइफ टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, इस लेवल पे ब्रेक किया, तो उसके बाद आप इसका मूवमेंट देखिए। जैसे ही 955 को क्रॉस किया तो इसने विद इन 1 or 2 मंथ 1400 को भी टच कर लिया, तो मतलब 40-50% ये ऊपर चला गया। वैसे ही बजाज फाइनेंस के हमारे जो टारगेट्स हैं 5000 के वो आसपास चल रहा है, 7500 के टारगेट्स हमारे उसके भी निकल के आते हैं, चाहे वो लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा हो। इसी टाइप से जो शेयर्स होते हैं ब्रेकआउट देते हैं काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद, जो अप ट्रेंड में होते हैं। आप इसका पहले से चार्ट देखिए, ये पहले से ही अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, हल्की सी करेक्शन देता है उसके और अपने ही हाई को तोड़ता है। यहाँ देखिए इसे थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पर फिर इसने कंसोलिडेट किया ऊपर गया, यहाँ कोविड के टाइम पे नीचे आया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास इसको ग्रेब करने की, बट लोगों ने इसे सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इन्वेस्ट नहीं किया। तो स्टॉक अभी जो चल रहा है पिछले कुछ टाइम से आप देखिए एक रेंज में चल रहा है। आप जब इसने यहाँ से इसे ब्रेकआउट दिया और स्कैंडल के बाद स्टॉक देखेंगे 1070-80 के आसपास से लेके जो इसका हायर रेंज बनती है, इसने जो बनाई थी 1400 के आसपास, उसके बाद ये इस 1250 के आसपास की जो रेंज है, अब देखिए इस रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है, इस रेंज में 1250 के आसपास। और लोअर साइड में आप देखेंगे तो पहले जो रेंज बनती थी 1070-80 के आसपास की बनती थी, 1070-80 और ऊपर से 1405, उसको इसने काफ़ी नैरो किया यहाँ पर 1294, और नीचे की जो रेंज बनती थी 1064-65 के आसपास की बनती थी, उसको इसने काफ़ी नैरो किया है। जब स्टॉक एक नैरो रेंज में काम करना स्टार्ट करता है तो एक ब्रेकआउट बहुत अच्छे आते हैं। अब देखिए एक बैलून होता है, उसको अगर प्रेस करके रखेंगे और जब उसे छोड़ेंगे तो कितना वो स्वेल करता है। तो सेम वे में 1116-1110 के आसपास का इसका यहाँ पर लो बनता है। आप देखिए इसने कितनी नैरो रेंज कर ली है अपनी, 1118-20 के आसपास का लो था जो अभी रिसेंटली इसने बनाया, और अपर रेंज जो बनती है 1270-1250 के बीच की बनती है। जैसे ही ये लेवल को इसे ब्रेकआउट करेगा तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाएगा, 1440-50 के आसपास। तो 1400 को जैसे ही ये क्रॉस करता है अगेन एक लाइफ टाइम हाई के आसपास, आप देखिए ये कंसोलिडेट करता है एक रीजन में, उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है, हमेशा इसकी यही रहा है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट दिया। अब इसने एक अच्छा बेस यहाँ बना लिया है, कंसोलिडेट कर रहा है, रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर आ रहे हैं। आपको मैंने दिखाया, दिखाने का रीजन ही ये था कि किसी को भी चार्ट पे देखो, आप टेक्निकली सिर्फ देख के पैसा नहीं लगा सकते, उसके पीछे टेक्निकल के पीछे फंडामेंटल्स कैसे हैं उस कंपनी के, कितनी इनकी ब्रांचेज हैं, कैसे रिवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, कैसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, किस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये काम कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है, उसके बेस पे अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तब उसके हमें टेक्निकल देखने चाहिए। अगर टेक्निकल अब देखें तो एक नैरो रेंज, लो साइड इसकी सिर्फ 100 रुपये के आसपास की है, अगर उसके आसपास आपको शेयर मिल जाता है, अब यह मत देखिए कि शेयर नीचे आ गया, शेयर अगर आपको 1110 की रेंज में मिलता है, द्वारा मिलता है, या 1175 के आसपास भी आपको मिल जाता है, तो आपको इसे अकोमोलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये शेयर एक बार 1250 को अगर ब्रेक करता है तो ये सीधा 1400 के आसपास जाएगा ही जाएगा, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर 1400 को तोड़ता है तो ये हमारे जो टारगेट्स हैं 2000 के आसपास के हैं, 1900 और 2000 के बीच में ये स्टॉप करेगा। तो अगले 3 सालों में अगर इसे हम देखें, क्योंकि हमारे टारगेट्स
3 सालों के हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये डे टू डे देखने वाली कंपनी नहीं है कि आप इसमें इंट्रा डे करें या स्विंग ट्रेडिंग करें। आप इसे पोर्टफोलियो में रखिए और भूल जाइए, 1200 के आसपास का शेयर है, ये आपको 3 सालों में डबल से भी ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। डबल के टारगेट्स तो हमारे हैं, बट ये डबल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न बना के देगा। सेफ शेयर है, डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर करेक्ट करती है, गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट करते हैं, जब कोई भी रीजन ऐसा बनता है जिसकी वजह से आपको इसके अंदर नीचे अकोमोलेट करने का चांस मिलता है, तो आप एक लक्की इंसान होंगे अगर 1100 के आसपास आपको मिल जाता है। तो आप इसे अकोमोलेट कीजिए, होल्ड कीजिए और अपनी पेशेंस रखिए, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। 3 साल में ये कहीं आपको डबल से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के देगा। थैंक यू, धन्यवाद।